जय बद्री विशाल ताशु फन टीवी नई ब्लॉग उन सभी स्वागत चाह सकते छो। सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होला। तो आप लोगों को तो पता ही चाहिए कि आजकल मैं देहरादून में छो, थोड़ा बिजी शेड्यूल भी चन हो चुके मेरे की, लेकिन आना थोड़ा दौड़ भागी होनी चाहिए। और बाकी यो ब्लॉग बहुत जबरदस्त सुन रोल छो, बहुत मज़ेदार सुन रोल छो, लेकिन हम मम्मी आप लोगों को एक यूट्यूब क्रिएटर से मिलान वाल छो। तो मैं जानू छो आज मिना कौन शिमू रावत और जिठानी दगड़। तो यूट्यूब वो डेली ब्लॉग डलता, मतलब अपर डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग डलता, बहुत पॉजिटिव ब्लॉग रहता, फैमिली ब्लॉग रहता उनक। तो जो सिमू रावत छिन मतलब वन तो मोस्टली सब लोग जान दही वाला उन थे, बाकी मैं बताया दिन थोड़ा सा बारे में। तो एक फौजी वाइफ छिन और डेली ब्लॉगिंग करता, बाकी मतलब बहुत अच्छा नेचर छ, बड़ा पॉजिटिव ब्लॉग्स रहता उनक अपर फैमिली का अराउंड ही। और मतलब मैं तो बड़ा मजा आता हूँ ब्लॉग वगैरह देखने, खूब फन वगैरह रहता और बहुत अच्छा मेल मिलाप रहता जो फैमिली में, एक बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बड़ी रहता। तो मीन बहुत टाइम पहले उनते रीच कैट चाहिए, जब हम शायद अनुभूति उत्तराखंड कराने वाले देहरादून में, बट ऊपर हमने डेट अनाउंस नहीं कैट चाहिए और कुछ चीज़ों की वजह से हम लोग नहीं करे सक वो टाइम पर। तो फिर मैंने उनका मैसेज कैट चाहिए और तुरंत रिस्पॉन्स आएगा चाहिए और बड़ा अच्छा लग चाहे मैं थे। फिर मैं जब देहरादून ही चाहूँ तो अभी थोड़ा सा मैं टाइम चाहिए, तो मैंने वाले एक बार उनका मिले खाना जान के लिए, क्योंकि गाँव बटे वापस आएगा चाहे देहरादून। तो फिर आज जानो चाहूँ मैं इमें रखूँ और फिर बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली चाहिए और बहुत कुछ जान लो बारे में। पहली मुलाकात से तो इतना ज़्यादा नहीं जान लो, पर थोड़ा बहुत जान लो और मौज मस्ती कर लो। फिर तो फिर चल दे चाह येलो हिल्स रेस्टोरेंट में, एक मटे पास में ही चाहे, और फिर मिलान चौ में आप लोगों से सिमू रावत और ओंग जिठानी दगड़। फाइनली पहुंच गए मैं येलो हिल्स में, एक पहल भी है मैं जब दिव्य ती ने दगड़ मिल चाई, बड़ो अच्छो रेस्टोरेंट से, मतलब प्रॉपर पहाड़ी रेस्टोरेंट से, एक मतलब पहाड़ी आइटम्स मिलता खाना को, और बाकी जो मतलब नॉर्थ इंडियन फूड से भी मिल दो। बाकी ना तरफ मिल गई मैं सिमू रावत जी और जेठानी ना, हाँ पर क्या बोलते जेठानी ज्यादा जमान लगनी चाहिए ना ना पूरे ला, हाँ मतलब वो क्या बोलते आप लगना जेठाना होते हैं। हाँ मैं सही नहीं लगना। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम निकलना होना, अभी चल दो शाम से, फिर कुछ खाते पीते चाहो, फिर वो बात और बात कर दो चाहो। अभी हम बैठ गए जखम बहर में और थोड़ा सा बर्फ का बूंदा बांधी उड़ गए, तो हम जाना चाहे भितर जखम बैंक कट बड़ी चु, और जो भितर येलो हिल्स है भितर जो कैफे छे वक्त फुल हुई चाहिए, तो यहाँ को हम बहरा गए चाहिए, मतलब बात बात करना खुद भी थोड़ा ठीक रहा, रिकॉर्ड वगैरह करना खुद भी ठीक रहा, पर एक बूंदा बांधी उड़ गए तो हम अभी शिफ्ट करना चाहे भितर खुण। तीन तरफ करी ना, अभी हमने चिल्ली पटेटो ऑर्डर सिमू जी पहली बार करना चाहिए टेस्ट। सच में यार मैं पहली बार खाऊ जो आज से दिल बोलो कि सिमू जी क्या मंगा, मतलब करके ना मिल बोल भाई जो तुम तो पसंद हम ये आया भी नहीं था, पता नहीं कम कम पड़ा था फेरा रेस्टोरेंट में जान भी नहीं है ना, हम तो ज्यादा रख खेलो मैं नहीं तम तो वही ज्यादा तो अगर हम तो हम बोलवा पता नहीं ज्यादा की मैनू था ना, वो आया सी भले एक बार तो ओन ही मंगाया घरोल फील नहीं प्रॉपर उत्तराखंडी फील माथे लगे बारो ले जाए ना घर को घास को घास रखी जाए तो गोर घास जाड़ोल तो एक बड़े ले जा सके। अभी हम बताओ फेमस होने बात कर लो, बिल्कुल इतना फेमस है क्या? बहुत बढ़िया मस्त महसूस हूँ, पैसा तो आने जी, अब मेहनत करो तो पैसा आने, पर वो जी मतलब एक ना लोग रिस्पेक्ट करना जरूर से देंगे। हाँ यार की मतलब ये अप्रिशिएट ज्यादा करते ना, यू फैमिली यू काज जी जी मतलब इन ना तो बहुत अच्छी फील हूं सच में, मुझे पहचान बनाने एक अलग ही बात अलग बात है ना। और सबसे बढ़िया बात क्या लगी कि आप बाद ना बहुत सारी जो मतलब आर्मी वाइफ से ना उन बहुत सारे अपर चैनल स्टार्ट करी। हाँ। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलो, बहुत अच्छी है ना, बाकी आप लोग मतलब ये नीचे के सिर्फ ब्लॉग ही ब्लॉग बना दो, एक देर दोनों पे पूरा पर घाट दिखना और गांव वाले पूरे दिखना। हां गांव में, हां गांव में जाने तो गांव हिसाब से रहंदी और देहरादून में रहंदी, देहरादून हिसाब से रहंदी, इधर रहंदी प्रॉपर भीतर हिसाब से हिसाब से रहंदी। बाकी मेरे भाभी और भी बोलना चाहे कि सिमुकबाल बोले इतने बड़े बड़े छन बिल्कुल है, और मेरे दीदी और भी अरे विंग बाल तो बिल्कुल लड़कियों की नंद के एक दूसरा सुंदरता में बिल्कुल के सुंदरता मुंह के यार खैर के ही बोलो ना, पर बालों पर लोग ज्यादा नहीं नहीं बहुत सुंदर हो आप दिया दी। और बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तुरंत आप लोगों ने टाइम निकाल दिया ही,
है ना, पहुंच गया पहले, अब मैं तो थोड़ी इंतजार कराना पड़े। हम जाने तुम भी हम जाने क्या टाइम निकालो आराम तो फ्री रहना 24 घंटा। ना ना आज का जो संडे छुट्टी का ना वो चला चलो बढ़िया से ख्याल है। खाना तुम्हें ज्यादा शॉर्ट वगैरह नहीं ले सकते, मैं बल तो खाना खाना चाहो, बात करना मैं ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहो। तो आप चिन्ह दिया धीरन जी छी मेरे दगड़े, तो आप दियो तो जरा आप मैं बिल्कुल के बोलते क्वेश्चन आंसर रोल सेशन चलान होल सो जन में गाँव में जानना तब पूछ रहे दो। तो वन आप जरा सेशन चलान चो मैं जो सिमु रावत जी छा रोक जी छा दगड़े हाँ जी छा मैं जरा आसू जी जी जगड़ा छी जिठान कम दुरान ज्यादा लड़ा है ना, तब जखन में थोड़ा कंफ्यूज जानो छ बार बार, तब कर दो शाम शुरू क्यू एन ए सेशन। तो फिर अभी दुरान और जिठान जिन में दगड़े और दियो क्यू एन ए सेशन होना चाहिए। तो अब मैं ये बताओ पहले दियो बटे एक दूसरे सेवा को कर दो ज्यादा दिए कर दिए एक दूसरे से ये तैयार करे के अंदर नहीं आया चाहिए क्वेश्चन ना ना पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो पता नहीं वाला सेवा को कर दो ज्यादा दिया कर दी तगड़ी जबरदस्त है मौका मिल जाता। अच्छा और जो हमारे मतलब अवर पति में सेवा को करा दियो बड़े ज्यादा ज्यादा करा दिया जी मुझे हाँ बिल्कुल मतलब मैं ढूंढ रहा छह जो कवर कवर ब्लॉग में कवर कवर तो इतना मेल है बिल्कुल जो हमारे फौजी भाई साहब से ना बिल्कुल वो तो जान से पहले खुद लगन बजा दें अरे ये होता अगर प्रैंक कैसे करना राम रुवे दिन मोस्टली तो क्यों चाहे कि लड़के ज्यादा ना रोन बन जाए कि आप मेरा हस्बैंड जान वाला है ना, पर ये प्रैंक करता कि जो हमारे भाई साहब होता है इमोशनल वेज ना बिल्कुल। तो ठीक आप खर्ची लुको चुकी हो बड़े ज्यादा फोन घर में अच्छा घर में न्यूज चैनल आप चाहे पूरा सर्कुलेट करना बाकी बाहर घूमना फोन पूरे ज्यादा एक्साइटेड हो फुल तू ये रंदी शायद मैं ज्यादा रंद वो कना कोन फोर्स कन रंद काजो ना वी का ड्यूटी चक्कर रंद ना वी भी बहुत मन रंद मैं कति घूमो सही बात मेन ड्यूटी चक्कर हां बस वीकेंड में हां वीकेंड में और शॉपिंग वगैरह को कर दो ज्यादा दिए शॉपिंग में तो लेडीज मतलब लेडीज का कम मान ही नहीं सकती हम सही बात मतलब रोज की काजो खर्च ले जन कम करना ना तो थोड़ा वो कह दिन कंट्रोल अच्छा और मैं भी कंट्रोल मैं भी नहीं करूं सॉरी साहब सही छे और गांव जाना कहते लगी ना ज्यादा हां कहां पर गांव जा रहा है अच्छा ससुराल जाने ना ससुराल जाने नहीं लगी ना मैं जाना ज्यादा लगी ना मैं तो क्या बक मैं यार थनी सेंट ब्लॉक पढ़ना ना अच्छा बंडेली बंडेली गांव नाम आप अगर ठीक चीज तो चलो बढ़िया चे चौंकोट पट्टी हम क्या हां चौंकोट चोपड़ा कोटा ची अच्छा अच्छा अरे नाम भी सेम चे मैच कर चे चलो बढ़िया चा अभी तब थोड़ा ब्रेक लेना चाहो फिर वो बाद दूसरे क्यों ने सेशन कर लेता बेस्ट हां ठीक चे तो जन नॉलेज से रिलेटेड ऑल ठीक चे जन दिल्ली में कैसे ना मैं यूके का जी के तब जाकर तब मित्र में मेरा ना पड़े बार में तो खाली प्ले में गल खलाणो तो मुझे ना आपको इतना भी नहीं पता है तब आपको नहीं पता कि ब्लॉग में ये चीज नहीं बोलते हां सही तो सही बात है वो भी ब्लॉगर होता कड़े हां और ब्लॉगर कड़े पड़े कह रहे कि अनपढ़ ये ये तो ये बड़ पड़े कह का आज हमें ब्लॉगर बनना बट रखना सही बात है तो और पड़े कर यूट्यूबर पड़े कह रहे ना हां तो यूके का जी पे लगनो अभी पोस्टपोन करना पड़नो छे पहले आंसर बताना पड़नो छे ना तब पोस्टपोन पड़नो छे ये तो कह लिया और पहले हम तो क्वेश्चन बताए आंसर बताए तब जाकर ना
चलो आप लोग सेशन कर ला, हम थोड़ी देर में स्टार्ट है, मतलब कोई और क्यू एन ए कर दो सर। हाँ, पढ़े छोड़ का, बस सब क्यू एन ए हम कह सकते हैं। तो अब ये क्यू एन ए सेकंड वाला पार्ट जब यूके का जीके तब बाद में पूछ ले हम, जब और भी सारे लोग रह ला तब पता चला ना कि नॉलेज का तो बिल्कुल कोई बात नहीं, बाद में फंसे जा, जब और कभी भाई साहब भी आला तब दियो कर लेना मियां वर्सेस बीवी दिया धीरन जी शानी और ना तरफ हार्डवेयर तुमने जरा क्वेश्चन पहले मेरे को इंस्टाग्राम में भेज दिया। ठीक से मैं मैसेज कर दूँ पहले, ठीक से। हाँ, तो आप जरा ये तो पूछना चाहिए वैवाहिक जीवन बारे में कि लव मैरिज वाला छे कि अरेंज मैरिज वाला छे। दिया दे मैं अरेंज मैरिज हूं। अच्छा, आप लव मैरिज है, तो बताओ जरा आप लव स्टोरी बारे में जो अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात करना चाहे, पट मंगनी यार मंगनी बाद एक साल रुक रहा बुधवार और यो जूट बताया था छुट्टी था, ठीक है। और यो उनमी को मैसेज कर और हमार बात हुआ 2014 में हुआ। अच्छा, और 2014 में ठीक 19 में हुआ, 5 साल बाद। और वे बाद उनमी को मैसेज करा कि हाय मैं बोल हाय ये छुट्टी आया था वे नहीं और यो किराए पर आंचा ना और यो घर बनो छो यो घर से कमरा शिफ्ट करो छो जग मकान बनो छो बाकी तो यो मी को मैसेज करा हाय मैं बोल हाय बल कंची मिलो ठीक छो बल तुम कंची मिलो मैं तो और भी मस्त बल सीधा ही नहीं बोले बल तुम्हारे ब्यो है बल हम पहला बात करें बिलोल हाँ हाँ हम बहुत बात करें बहुत ना मतलब नॉर्मल बात करें बोले तुम ना आप क्या कर दी बिलोल कुछ नहीं मिल बता आज कंपनी में जॉब वगैरह करो ना बोला ठीक है बोले ब्यो होएगा बल तुम्हारा मैं और ना ब्यो तो नहीं हुआ अभी अब आप कहा नहीं तो बोले ब्यो होएगा तुम्हें मैं और ना अभी तो नहीं आया मिलो तुम्हारी नजर में कोई लड़का से तो ढूंढ दे इन्हें मैं मजाक ही करूँ तो तो बल हाँ बल टूटू छे बल मियाँ नजर में एक लड़का था तुम अगर मिलन चाहे बात करे दो तुम बोले मियाँ वाला है जिया मियाँ भाने वाला बट मियाँ वाला तुम तो पता जरसी 20-25 मिनट रास्ता और मिल वो ठीक है बोल मैं और बिचार इन करूँ मैं चल जाऊँ देख आऊँ लड़का अभी चल अभी बाद हम मियाँ वाला में जन मिली ना तो मियाँ वाला मैं जन्म मिली मेरे को सीधा मुख आया तो स्कूटर हो गया झप और डर दियो को आम यार मैं पैदल बैठ अब ये वजह बातचीत आया तो मैं घर पर ना सके कभी कोई जो मेरे मैं तो बहुत ज्यादा भूख लगी था हमें रोल पहले मिल कुछ खाना तो बल चलो तो जी तब हम दूली चाउमीन खाई तो मेरे बोल भाई लड़का खा चे तब लड़का दिखा मेन मुद्दा बताओ हाँ मेन मुद्दा यही था कि मेरे लड़का खा चुके खान पीन तो होगा बल लड़का बोले इंचे तो बल लड़का मी डरता नहीं छा पर एक लड़का बल मी छू और एक बल दूसरा छे कि अगर भाई मैं दूसरा बार हमने जानून बोले कि वो क्या बोलू कान बोलू लो वो अगर है जगह बिचार मैं यहाँ पर गारंटी दे हमारा परिवार बहुत अच्छू छी करके ना वो तो तुम भी दिख दिया आपकी हमारे परिवार गंज और यार मिल बोल तुम दिन इन बोले बल इन वो छे ना पर वो तुम्हारी इच्छा वाला भाई मैं घर आएगू तो तब इन माँ ब्यवा बात करना पड़गा कि मतलब वे टाइम पर रिश्ता थोड़ा वो होगा ना मैं यार एक बार मैं पहले भी बता कि रिश्ता टूट गया छो इन करके थोड़ा वो छो तो माँ टेंशन हुई रहा कि कब ब्यो हो रहा तुम तो पता की बुआ बहुत आती इन लगन कुंड में बोझ हुएगी कब लड़की ना बोझ हुएगी मतलब इन घर का वही जान ना लड़का ज्यादा टेंशन जान तब वे बात बोल की माल बोल की का दृश्य रुस्ता देखो तो इन करके ना तब मिल भाई सीधा इनको फोन कह दिया कोई दिन से हम मिल बोलो माँ इन मुझे जी अगर तुम कारण चंदी तो बात कह रहा सीधा अन्य कारण चंदी तो भाई मैं मत टाइम पास करना टाइम नहीं माँ बस मैं सीधा ही बोल भले ठीक है भले तो जी मैं बात करूँ बात बोल भी सीधा बात करा वो कोई बहाने नहीं बना कुछ नहीं बनाया जबकि तब मैं जिस सगे हुई सिर्फ ब्यो वो भी नहीं छो कि घर ही लगाना चाहे एकदम से टेंशन जाने की कन का दूजी ब्यो करना आसान बात शहरों में नहीं मकान बनाना तब मैं बोलो जब बातचीत भले दिल मिल गया एक ही जन मान बोल हमारी जन परिवार मिलू भला बढ़िया किस्मत जो मित किस्मत तब वे बातचीत हुआ वे बात हमारा अक्टूबर में सगे हुएगा
अक्टूबर को हमारे सगे हो गया वो एक बार ठीक अगले साल नवंबर में हमारे ब्याह होगा 2020 में का जो ब्याह हुआ जो जून में हाँ भरपूर लॉकडाउन में खतरनाक लॉकडाउन था भाई लोग सब्जी नहीं ले सके हम ब्याह ले गए लव स्टोरी बारे में तब देखता चाहे मेरी लव स्टोरी कब बेलता स्टार्ट आज यूं मेरे लव स्टोरी को वीडियो बनायो ना आगे दो मिल बना इन चैन भाई लगा और से सही बात है कि तुम हमारी हमार बना तुम्हारे बना रहा वाह मतलब लव स्टोरी क्रिएट करने पर में तो बहुत जल्दी है तो जो भी लड़की पसंद करता मैं को मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम में उन भी बहुत क्यूट थी और मेजर भी बहुत ज्यादा अच्छा था अब गालो का ग्लो भी चाहिए था बहुत ज्यादा है सच अगर ब्योली मुख में ग्लो नहीं बोल चलो ब्योला मुख में बहुत ग्लो है इतना करो टाइम मैनेज है मैनेज है चले एक तरफ बैठा हां तो बाकी वन तो सब लोगों को पता बोल दो कि जी उन चैनल का नाम चीज सिम रावत ब्लॉग्स है ना और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दो तो आप लोग जाकर ना बहुत मजेदार ब्लॉग देख सकते हो चलो जो मतलब फैमिली ब्लॉग देखने वाला और फैमिली में मतलब कितना पॉजिटिव विटी फैलांदा तो देख सकते हो आप लोग सिमरा ब्लॉग्स में ठीक है बिल्कुल चलो फिर आप निकलता चाय पटे किधर की अभी आप लोग भी शॉपिंग वगैरह भी करें फिर बहुत जल्दी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालना है ना तब तब आप लोगों से फिर से कर दो मुलाकात तो फिर पहुंच गए मैं घर सिमरावत जी और उन जिठाने जगड़ मिली करना बड़ा अच्छा रहा मीटअप बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है उनगढ़ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताने कि कल लगा आप लोगों को भी मीटअप कल लगूँ लव स्टोरी उन पर्सनैलिटी तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें कमेंट भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को मीटअप बड़ा अच्छा लगे तो फिर मिल रहा आप लोगों अगले ब्लॉग में और तब तक जय बद्री विशाल जय देवभूमि जय उत्तराखंड।